अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। वैसे यहां पे हज़ारों टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, लेकिन जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है साइकिल इन एम्स्टरडेम। और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्स्टरडेम में लोग इतनी साइकिल क्यों चलाते हैं, हर जगह साइकिल, हर जगह साइकिल। तो इस साइकिल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पता है एम्स्टरडेम जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे साइकिल फ्रेंडली सिटी है। एम्स्टरडेम में तकरीबन 515 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक्स डाले हुए, और ये खाली साइकिल के लिए नहीं है। इधर इस पर आप जो है साइकिल चला सकते हैं, इस पर आप मोबिलिटी स्कूटर्स चला सकते हैं, इस पर आप मोपिट चला सकते हैं, और इस पर मोबिलिटी कार्स भी चला सकते हैं। तो चलते हैं इधर साइकिल चलाते हैं, थोड़ी देखें कि इधर क्यों लोग साइकिल चलाएं। जब तक हम साइकिल नहीं चलाएंगे तो पता कैसे चलेगा लोग साइकिल क्यों चला रहे हैं। तो हमको पता ये लगाना है कि लोग साइकिल क्यों चला रहे हैं। तो मेरे साथ आएँ, हम लोग थोड़ी साइकिल चलाते हैं इधर और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। आ जाए मेरे साथ। ये है मेरी साइकिल और मैं एम्स्टरडेम आपको साइकिल पर सैर कराऊंगा और बताऊंगा कि साइकिल इतनी पॉपुलर क्यों है यहाँ पर। आए मेरे साथ मेरे भाइयों, आ जाएं। ये जो बाइक मैं भी चला रहा हूँ ये है ट्रेडिशनल डच बाइक, डच डिजाइन क्या होता है। मेरे पीछे इमरान भाई, इमरान भाई ज़रा हाई बोलिएगा कैमरे को। इमरान भाई जो है वो यहाँ पर लोकल हैं, तो जाहिर है जो लोकल बंदा गाइड कर सकता है वो एक टूरिस्ट नहीं कर सकता है, विजिटर नहीं कर सकता। इनको इन एंड आउट सब कुछ पता है एम्स्टरडेम के बारे में। तो साइकिल चलाने की आदत है नहीं, ठीक है ना, सुस्त हो गए हम बगैर साइकिल के। तो अब बस चल रहा है ऐसा हिसाब किताब है कि इधर तो हर बंदा साइकिल चलाता है, यहाँ पे एक गरीब आदमी भी साइकिल चलाता है, एक अमीर आदमी भी साइकिल चलाता है, एमपी जो होते हैं पार्लियामेंट के, इवन कि यहाँ पे बादशाह जो है किंग विलियम अलेक्जेंडर वो भी बाइक चलाते हैं, यानी कि साइकिल चलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटी सी, ये है मोबिलिटी, ये देखें ये मोबिलिटी कार। बूढ़े लोग जो है, मज़दूर लोग जो है, उनको गवर्नमेंट ये गाड़ी देती है और ये फुल इलेक्ट्रिक कार है और ये साइकिल ट्रैक्स पे यहाँ पे चल सकती है। ये जो बाइक है मेरे पास ये ट्रेडिशनल डच बाइक है, देखें इसका स्टाइल। देखिए ये गिव वे, इस जगह पे मुझे रुकना है, मेन रोड वहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब मुझे राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, कोई नहीं है। देखें इमरान भाई सामने से जा रहे हैं, अभी देखें राइट देखा मैंने, लेफ्ट देखा, कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी देखें साइकिल आ रही है राइट से, मैं रुक गया भाई। और फिर मैं ये देखें इंसानों की तरह कानून को फॉलो करते हुए, यहाँ पे ये लोग बहुत बुरा मानते हैं। अगर ये देखें ये खातून जो है सामने, ये पैदल चल रही है, वो फुटपाथ पे है, वो साइकिल ट्रैक पे नहीं है। ये छोटी सी कार है, ये मोबिलिटी कार है। तो ये पेडिस्टल क्रॉसिंग है, ये चले आएंगे तो हम फिर जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सारा रूल वो ही। मिस्टर फ्रांसिस हियर, ठीक है, हमारे साथ है मिस्टर फ्रांसिस। और हम देखें इधर जो सहूलतें दी हुई हैं गवर्नमेंट ने, ये मोबिलिटी स्कूटर है, जो माजूर बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो चल फिर नहीं सकते आराम से, उनको ये स्कूटर दी जाती है यहाँ पर।
और ये देखें बेहतरीन स्कूटर है, इसके लिए बाकायदा टेस्ट पास करना पड़ता है, दो तीन बार इसके बाद ये आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब नहीं होता। तो ये भाई बता रहे हैं ये हल्की हल्की उर्दू बोल सकते हैं, दो तीन बार इनको टेस्ट पास करना पड़ता है फिर ये स्कूटर मिलता है। इतने आराम से नहीं मिलता है कि आप जाके बस ये लेके खुद चला लें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट फॉर योर टाइम। ओके थैंक यू बाय बाय, थैंक यू बाय बाय बाय। तो आपने देखा ये मोबिलिटी स्कूटर्स थी। अब हम जाएंगे चेक करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, कोई गाड़ी चेक करते हैं, मोबिलिटी कार। ठीक है आ जाए मेरे साथ। हाँ क्यों, क्योंकि आप साइकिल हैं। ओह अच्छा, ये मज़े की बात है। देखें मैं आ गया हूँ ये साइकिल पे, मैं इधर साइकिल चला नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये है स्क्वायर, यहाँ पे साइकिल चलाना अलाउ नहीं है। और मैं अभी मुझे साइकिल से उतरना है और फिर पैदल जाना है और अपने ट्रैक पे जाना है वापस। ठीक है, थैंक यू बाय बाय। जी दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं खड़ी हुई, ये है मोबिलिटी कार। मोबिलिटी कार जो है ये मेन रोड के लिए नहीं है, इस पर सिर्फ दो लोग बैठते हैं। और ये मोबिलिटी मीन्स ये है खाली जो ज़ईफ़ लोग होते हैं या फिर डिसेबल लोग होते हैं। और सिर्फ ये कार जो है, इतनी बड़ी कार अलाउ होती है साइकिल ट्रैक पे चलाने के लिए। कितनी आसानी दी हुई है, इधर कितना फैसिलिटेट किया हुआ है जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं। तो ये गाड़ी है, बिल्कुल दो लोग इस पर बैठते हैं और ज़्यादा नहीं बैठ सकते दो लोगों से ज़्यादा। तो देखें छोटी सी गाड़ी है, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, टाइनी, ऐसा लगता है छोटी बच्चों की गाड़ी है। चले हाँ, तो आपने देखा साइकिल के बारे में। अभी देखें मेरे पास साइकिल में घंटी भी है, ये देखें घंटी की आवाज़ है आपको, ये देखें घंटी, या सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा मज़े की बात यह है कि एक और मालूमाती बात बता दूँ कि जर्मनी बॉर्डर से और हॉलैंड किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह आप चले आएँ, यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स मिलेंगे आपको। ये सिर्फ एम्स्टरडम नहीं, पूरे हॉलैंड में साइकिल ट्रैक्स मिलेंगे आपको। और साइकिल ट्रैक्स क्योंकि इधर हॉलैंड की ज़मीन जो है काफ़ी हमवार है, इधर हिल्स नहीं हैं, ऊंची चढ़ाइयाँ नहीं आती हैं, तो आराम से बंदा साइकिल चला लेता है। तो ये है भाइयों, इसको बोलते हैं सिस्टम, या इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मकसद साइकिल में कोई धुआं नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर हर बंदा साइकिल चलाता है। तो कोई स्टेटस का चक्कर भी नहीं है कि भाई तू अमीर है तो साइकिल चलाएगा, अमीर गरीब के मसला ही नहीं है भाई, सब ने साइकिल चलानी है। हर घर के अंदर आपको तीन तीन चार चार बाइक्स मिलेंगी यहाँ पे। अब हमको करना है मेन रोड क्रॉस, मेन रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आप साइकिल पे, ये साइकिल ट्रैक, ये मेन रोड, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेन रोड, ये साइकिल ट्रैक, ये मेन रोड, ये साइकिल ट्रैक उसके सामने। तो मुझे इधर से इस साइकिल ट्रैक से वो रोड क्रॉस करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो बटन दबाऊंगा। ये मैंने बटन दबा दिया, ये साइकिल रेड है, साइकिल रेड है, ऊपर भी साइकिल रेड है। ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, साइकिल का खुल गया, अब ये ग्रीन हो गया, देखिए साइकिल ग्रीन, साइकिल ग्रीन, अब मैंने चलना है। ये देखिए ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे से रुक गई हैं क्योंकि मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं कानून, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब मैं अपनी मर्जी से भाई अपने ट्रैक पे चला रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आप सैकड़ों साइकिलें देख रहे हैं, ये पार्किंग है साइकिल, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि 14 दिन से ज़्यादा आप पार्किंग नहीं कर सकते इधर। दूसरा ये कि यहाँ पर रैंडमली चेक हो सकती है, कि पुलिस भी चेक कर सकती है यहाँ पे कि आपकी साइकिल चोरी की तो नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल इतनी ज़्यादा है आप किसी से भी लेके साइकिल यूज़ करें। इसमें एक नंबर होता है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो साइकिल जिससे चेक की जा सकती है कि चोरी की तो नहीं है साइकिल। मैं मौजूद हूँ एम्स्टरडैम अरीना पे और इधर बहुत ज़बरदस्त बाइक शॉप है जहाँ पे हज़ारों बाइक्स हैं और मैं आपको, मैंने अभी इजाज़त ली है अंदर ऑनर से, वो उसने मुझे इजाज़त दी है कि अंदर आप मूवी बना सकते हैं बाइक से। बाइक्स यहाँ पे ऐसे रखी जाती हैं जैसे लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। इतनी महंगी बाइक्स हैं, सस्ती महंगी हर किस्म की बाइक्स हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि क्या शौक क्या है ये। मैं अंदर आपको शॉप पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की बाइक्स यहाँ पे, उनकी कीमत क्या होती हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और वो कितनी किस्मों की हैं। तो आएँ अंदर मेरे साथ, आ जाएँ। ये देखें, ये साइकिल है, इसके आगे जो है बच्चों की सीट लगी हुई है। इधर आपने बच्चों को बिठाएं और मज़े से घुमाएं। सामान रखने के लिए ये 1899 की साइकिल नहीं है। इसकी खास बात ये कि ये इलेक्ट्रिक भी है। इसके पीछे आप देखिए मोटर लगी है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आगे इसके पोल लगे हुए हैं, ये जो है ये मर्दों की साइकिल है, जेंट्स। ये बाइक डिस्प्ले पे लगी हुई है। अगर आपको सौदा वौदा लाना तो आगे बास्केट लग सकती है बाइक के सारी। आपको सब्जी वब्जी लानी है, गोश्त वगैरह लाना है, ये सब बास्केट्स हैं जो साइकिल के आगे लगती हैं। और यहाँ पर जो बाइक्स हैं वो देखें इनकी कीमत कहाँ तक जा रही है। ये इलेक्ट्रिक है, इसकी कीमत है 1799, यानी कि पाकिस्तानी को 4 लाख की साइकिल है। ये जो साइकिल है 1599 इलेक्ट्रिक है, इसके पीछे देखिए मोटर लगी हुई है। ये देखिए इसके पीछे मोटर लगी हुई है, ये भी तकरीबन 4 लाख तक की है, 3-4 लाख की है। ये देखिए किसी खूबसूरत बाइक के आगे इसके स्टैंड लगा हुआ है और ये बाइक भी इलेक्ट्रिक है और ये 1499 यानी कि पाकिस्तान में कोई 3 लाख रुपए की बाइक है। ये ब्रांड का नाम देखें, स्पार्टा, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है यहाँ पर। ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके पीछे मोटर लगी हुई है और ये देखें कितने की है, 2800 तकरीबन 3000 यूरो, तकरीबन 3000 यूरो होगा, कोई 6 लाख रुपये। Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving. अच्छा, ये बाइक देखिए आप, इसकी ख़ास बात देखिए, जो आगे बच्चों की सीट जो लगी हुई है उसके आगे प्रोटेक्टिव ग्लास भी लगा हुआ है, एक शीशा भी लगा हुआ है जिससे बच्चे के आंखों में हवा वगैरह नहीं जाएगी। और सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, देखिए बच्चों के लिए सीट बेल्ट की है, तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है साइकिल पे भी। ये साइकिल देखें आप, ये देखें इसका नाम है बतावस, बेहतरीन ब्रांड है यहाँ का। और ये बाइक भी, इसके टायर्स आप चेक करें, बाइक्स के लिए बैग्स हैं ये सारे, कितने खूबसूरत खूबसूरत बैग्स हैं आप देखें। तो ये थी बाइक्स की कहानी, बाइक शॉप पे, बेहतरीन बाइक शॉप, बेहतरीन किस्म की साइकिल्स हैं यहाँ पे। इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना शौक रखते हैं ये लोग बाइक्स के लिए, कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी बाइक्स के लिए, मेंटेनेंस का ख्याल। ये शॉप जो है एक्चुअली ये सेल भी करते हैं प्लस ये मेंटेनेंस भी है, यहाँ पर रिपेयर भी होती है बाइक्स। तो लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, मैं लोगों को मैं आप दिखा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी का ख्याल रखे हुए हैं। तो आप देखते रहें, इंशाल्लाह नई
नई एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, किसी और सिस्टम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे. कीप वॉचिंग. Get it, 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 get it